क्या हमें किसी एक पर्सन के लिए कई ऐसे कुछ रिश्ते बचाने के लिए हमें कितनी बार झुकना पड़ता है? नहीं 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 ये गलत बात है। झुकना बुरा नहीं है, झुकने के लिए तुम इस दुनिया में आए हैं, वो वाला झुकना नहीं। फ्रेंड्स आज मुझे थोड़ा कम मतलब प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो मैं सही से आपको देख नहीं पा रही कैमरे की साइड। लव यू गाइस और टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। आप काफ़ी रिश्ते बचाने के लिए हमें बहुत चीज़ों को छोड़ना होता है, कई चीज़ों में ऐसा होता है। आज मेरे पास एक पर्सन से मेरी ऐसी बात हुई और उनसे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि हाँ वाकई हमारी लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में बहुत काम आती है ज़िंदगी में। छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है लाइफ में, इनके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और ये बहुत काम की चीज़ें हैं। सो मैं आपको बताती हूँ कि ये काम की चीज़ क्या है और उस पर्सन से मुझे क्या सीखने को मिला। तो दरअसल ये मान लीजिए आप कि आप हैं और आपके घर का एक कोई बंदा है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, पिता हो सकते हैं, दादी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो आई टोटल इतनी फैमिली में कोई तो कोई होगा घर का मेंबर आपके साथ। उन चीज़ों में जब आपका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, उनसे मेल नहीं खाता, सारे लोगों से तो नहीं मेल खाता ना, घर के सारे बंदों से कभी किसी की मिलती जुलती नहीं होती है, एक अलग है, एक अलग है, वो अलग अपने दिमाग से चलता है, वो अपने दिमाग से चलता है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों के बीच में दरारें हैं, बट वो नहीं, बट होता है ना कि अगर माँ कुछ कह रही है तो बिटिया कुछ कह रही है, बिटिया कुछ कह रही है तो पापा कुछ और कह रहे हैं, भाई कुछ और बोल रहा है, दादी कुछ और बोल रही है, होता है ऐसा। और ऐसा नहीं होता तो हमारे ये फिंगर हमें कहीं भी थम अपना कहीं और यूज करने की जरूरत नहीं, एक ही से सारे काम हो जाते हैं। उसी तरह जब ये एक नहीं है तो ये कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स इसमें कोई देरी ना करें आप और इसको एक बहुत ही अच्छे उससे लें, नेगेटिविटी से ना लें। बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब आपका कोई पर्सन आपसे बोलता है कुछ भी, उसमें सुनने में क्या जाता है, वो अपना है, क्योंकि उसकी जो कमियां होती हैं, कई बार कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों को हर किसी की बात सुनने में सुन लेते हैं वो, उनको कोई जवाब देने में दिलचस्पी नहीं होती, कई बार लोग बात नहीं सुन पाते, तो उनकी भी कोई बुराई नहीं है वो, बट अगर वो नहीं सुन पाते हैं तो हमें उस पे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अनरिस्पेक्ट मैंने भी किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलती हुई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं, वो चाहे कोई भी हो सकता है, भाई बहन दोस्त में कुछ आंकल फ्रेंड्स। जब इन लोगों से हम अकड़ते हैं और उनकी बात नहीं मानते, हम ही ज्ञानी तो नहीं हो सकते ना हर चीज़ में कि हम अपना ज्ञान देते रहें, है ना। जब इन लोगों की बात नहीं मानते तो हमें वो चीज़ लाइफ में फेस करनी पड़ती है जिसकी हम कभी काम ना ले सकते, क्योंकि हमेशा जो हमसे जुड़े पर्सन होते हैं हमारे खास, वो कभी गलत राय तो देते नहीं हैं। लेकिन हाँ पूरी बात उनकी मत मानिए, कुछ चीज़ें जो मानने लायक हैं उसमें आपका दिमाग होना चाहिए कि क्या हमारे लिए वो सही है क्या गलत है, क्या हमारे लिए मायने रखता है, वो सच वाकई हमारे लिए अच्छा सोच रही है अच्छा। देखो माँ बाप है तो सिंपल अच्छा सोचेंगे, दोस्त भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आजकल की दोस्ती भी तो कम ट्रस्ट रखते हैं, फिर भी बहुत अच्छे आज भी के टाइम पे हैं।
लेकिन उनकी गिनती नहीं है। उन लोगों की कोई कदर नहीं करता, केयर नहीं करता, उनको कोई सम्मान नहीं करता। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पर्सन है अट्रैक्ट, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो आपके भी बनता है कि आप उसकी उतनी ही रिस्पेक्ट करें। क्योंकि जब वो हमसे दूर हो जाता है, फिर हम उसके लिए आंसू बहाते रहते हैं दिखावटी ड्रामे। तो इससे अगर बचना है तो आपको ये चीज़ करनी होगी, तभी आप अपने किसी भी रिश्ते को बचा सकते हैं और उसे बहुत अच्छे से चला सकते हैं। सो थैंक यू।